खबर बागपत उत्तर प्रदेश से है। बागपत में परिवहन विभाग द्वारा ही अनधिकृत बस संचालक का ओवरलोड वाहनों के खिलाफ 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक बागपत प्रक्षेत्र में बता दें कि कुल 406 वाहनों से 2,53,000 रुपए का परमिशन शुल्क वसूला गया है। इस मौके पर वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ए के सिंह राजपूत ने बताया कि अनधिकृत ओवरलोड वाहनों के खिलाफ 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की गई कार्रवाई। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री की अनधिकृत वसु एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ही कार्रवाई सतत चल रही है, जो शासन ने मानसिक शुल्क दिया है उन 3 गुना ज़्यादा वसूली किया जा रही है। जनपद में ओवरलोड गन्नों के सड़कों पर सब आज जनपद बागपत में ओवरलोड जो है कितनी कार्रवाई हुई और कितने वसूली की। जनपद बागपत में ओवरलोडिंग के विरुद्ध बहुत सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और इसमें अब तक हम लोगों ने 406 ओवरलोड माल वाहनों से 14,000 मेट्रिक टन ओवरलोड हमने पकड़ा है, जिससे कुल 2,53,000 रुपये समन शुल्क के रूप में वसूल किया गया है। बहुत अच्छी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का भी ये आदेश था कि ओवरलोड जो है मानक के हिसाब से चलते हैं, रोड क्षतिग्रस्त होती है, तो कुछ ओवरलोड गन्ने के ट्रक भी चल रहे हैं। निश्चित ही है गन्ने के ट्रकों के संदर्भ में भी हम लोग लगातार हम लोग प्रभावी कार्रवाई उस पर भी हम लोग कर रहे हैं और अभी 20 से 25 ट्रकों के अगेंस्ट हम लोगों ने कार्रवाई की है और इसके साथ ही लगातार हम लोग इफेक्टिव प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं और जो हमारा लक्ष्य है मासिक लक्ष्य उसका 3 गुना हम समन शुल्क वसूल करके दे रहे हैं।